खबरें खबरें खबरें, वेट बहुत हो चुकी खबरें। खबरों से हटके नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की कुछ अनोखी खबरों पर। तो जी हाँ, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज की खास पेशकश बॉलीवुड टॉप 5, जहां हम आज देखेंगे कि अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माय गॉड 2 पिछले काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है। विवादों में घिरी इस फिल्म का गुरुवार को ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसके अलावा बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी अब चर्चा में बनी हुई है। तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं बॉलीवुड की आज की मसालेदार खबरों पर। तो शुरू करते हैं आज की बॉलीवुड टॉप 5 खबरें। लोगों को पसंद आया अक्षय कुमार की फिल्म का ट्रेलर। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माय गॉड 2 रिलीज के बेहद करीब है। फिल्म को लेकर पिछले कुछ दिनों से विवादों में फंसे होने की खबर आ रही थी। वहीं CBFC ने भी ओ माय गॉड 2 के सर्टिफिकेट देने से पहले काट छाट की। कई परेशानियों में उलझी OMG 2 का अब ट्रेलर रिलीज हो गया है। ओ माय गॉड साल 2012 में आई थी। परेश रावल और अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। ऐसे में फिल्म के सीक्वल ओ माय गॉड 2 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं अब मेकर्स ने लोगों का इंतजार खत्म करते हुए ट्रेलर को रिलीज कर दिया है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। ट्रेलर को काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं भी मिल रही है। बाटला हाउस एक्ट्रेस क्रिसेन परेरा शारजहा जेल से हुई रिहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिसेन परेरा को लेकर कुछ महीनों पहले UAE में ड्रग्स केस में गिरफ्तार होने की खबर आई थी। अब केस में अपडेट आया है। एक्ट्रेस को जेल से रिहा कर दिया गया है और वो मुंबई लौट आई है। क्रिसेन परेरा 1 अप्रैल से शारजहा जेल में बंद थी। एक्ट्रेस को अवार्ड ट्रॉफी में ड्रग्स भरकर ले जाने के मामले में शारजहा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। क्रिसेन परेरा के मुंबई लौटने पर उनके भाई केविन परेरा ने खुशी जाहिर की और सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में क्रिसेन और केविन एक दूसरे को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। पोस्ट के कैप्शन में केविन ने लिखा कि क्रिसेन आखिरकार वापस लौट आई है और हमारे मिले। मुझे पता है कि मैंने जून में ऐलान किया था कि वो वापस आ जाएंगी, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया और अंत में आखिरकार वो लौट आई है। 100 करोड़ क्लब में पहुंची ओपनहाइमर। वही थिएटर्स में बारबी की हालत हुई नाजुक। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपनहाइमर ने आखिरकार अपनी काबिलियत साबित कर दी है। फिल्म ने भारत में 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है। अमेरिकन वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की ये बायोपिक 21 जुलाई को दुनिया भर में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। अब फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर टिके हुए सिर्फ 13 दिन हो चुके हैं। इसके साथ ही फिल्म ने 100 करोड़ में शामिल होने का माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो वही बारबी विदेश में तो अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन भारत में फिल्म की हालत खस्ता दिखाई दे रही है। रिलीज के 13 दिनों में भी बारबी 50 करोड़ नहीं कमा पाई है। सामने आई आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन की वजह। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ निधन की वजह का खुलासा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। यहां तक कि अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन ने अपनी फिल्म का ट्रेलर रिलीज इवेंट तक टाल दिया। वहीं अब आर्ट डायरेक्टर के पोस्टमार्टम के बाद उनके निधन की असल वजह सामने आई है। बीते दिन रायगढ़ में करजत में स्थित ND स्टूडियो में नितिन देसाई ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। अब उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। नितिन देसाई का पोस्टमार्टम 4 डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर किया। रिपोर्ट्स में आर डायरेक्टर के निधन की वजह फांसी बताई गई है। तो अब नजर डालते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि गिरते बिजनेस के बीच अब इस फिल्म ने संभाला है बॉलीवुड की मूवीज कलेक्शन का मोर्चा। जी हाँ, आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। वीकेंड पर शानदार बिजनेस करने के बाद फिल्म का कलेक्शन अब लगातार गिरता जा रहा है। हालांकि रॉकी रानी की प्रेम कहानी ने अभी भी मोर्चा संभाला हुआ है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने 28 जुलाई को रिलीज हुई है और अब बॉक्स ऑफिस पर 6 दिनों के सफर इस फिल्म ने पूरा कर लिया है। रिलीज के 4 दिनों के बाद फिल्म ने 50 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है।
लेकिन हाल के दिनों में कलेक्शन में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि वर्क डेज होने के बावजूद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने बिजनेस की दर को ज्यादा गिरने नहीं दिया। फिल्म के 6 दिनों के कलेक्शन की ओर नजर डाले तो फिल्म ने ओपनिंग डे पर 11.10 करोड़ के साथ शुरुआत की थी। इसी के साथ ही इस फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में 45.90 करोड़ कमा लिए थे। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी एक फैमिली ड्रामा है और इस फिल्म में बंगाली लड़की और पंजाबी लड़के की लव स्टोरी दिखाई गई है, जिनके बीच दुश्मनी परिवार बन जाता है। फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल में है। इनके साथ ही फिल्म में धर्मेंद्र, शबाना आजमी और जया बच्चन भी शामिल है। तो आज की बॉलीवुड टॉप 5 खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे मसालेदार इसी तरह की बॉलीवुड खबरों के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइए नहीं, देखते रहिए BCN न्यूज़।